नमस्कार, आप देखते हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश कई दिनों में सदमे में है। सभी अपनी जान बचाने के लिए घर पर बैठे हैं। उसी समय देशवासियों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जो अपने जीवन को खतरे में डालकर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब हमने सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुपालन में ग्लैमर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और जीनियस फाउंडेशन के बच्चों ने ऑडिशन दिया, जिसमें 17 बच्चों का चयन किया और स्वतंत्रता दिवस पर रैंप वॉक पर कोरोना वायरस के रूप में कपड़े पहनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया। यह अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में कार्यक्रम किया गया, जिसमें पवन सोलंकी भारत के विश्व रिकॉर्ड के अध्यक्ष न्यायाधीश के रूप में उपस्थित हैं। इस तरह के रिकॉर्ड के निर्माण से कोरोना वायरस का उत्साह बढ़ेगा और बच्चों को एक नया मंच मिलेगा। इन 17 बच्चों ने विभिन्न श्रेणियों में जैसे पुलिस डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, समाचार रिपोर्टर, फायरमैन आदि की वेशभूषा के साथ रैंप वॉक किया। इतिहास में कोरोना के बाद आते ही यह रिकॉर्ड भी जरूर याद किया जाएगा। पेशे अहमदाबाद से असली मचिया की एक खास रिपोर्ट। मैं कृष्णा, इस धरती का तारनहार। इस धरती पर मेरा तब जन्म होता है जब विनाश का तांडव होता है। इस कोरोना वायरस के संकट से बचाने के लिए मैंने कई रूप लिए हैं, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि पुलिस कर्मचारी, वैसे ही दूसरे कर्मचारी जो अभी कोरोना वायरस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं कृष्णा इन सभी तारनहार को नमस्ते करता हूँ। थैंक यू।